8:41 PM पर होगा शाम को, चल रही है जो कल सुबह 8 बजे समाप्त हो जाएगी। कल सुबह 8 बजे पंचमी तिथि होगी। कल किसी भी तरह से करवा चौथ का व्रत नहीं हो सकता। मैं सबके प्रति सम्मान व्यक्त करता हूँ, ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबडी, बट एज पर स्क्रिप्चर्स, एज पर ट्रेडिशंस, एज पर कैलकुलेशंस, करवा चौथ आज ही है। आप सबके साथ करवा चौथ का व्रत प्रारंभ करते हैं। आगमन दीपक जला लीजिए। आज हम आचमन नहीं करेंगे क्योंकि आपका जो व्रत है वो निर्जल है, निर्जला है, इसलिए आचमन नहीं होगा जैसे हमेशा होता है। दीपक जलाएं और फिर हम संकल्प करेंगे, उसके बाद गणपति का पूजन होगा, फिर गौरी का पूजन होगा, फिर आप कथा सुनेंगे, फिर थाली परिक्रमा होगी, फिर क्षमा याचना होगी, फिर पार्वती जी का आशीर्वाद होगा और फर्स्ट राउंड हमारा पूर्ण होगा। हेलो शांडी, फोटो खींचना। आप लोग आराम से दीपक जलाइए, हम बहुत शांति से ध्यान से पूजन करेंगे आपके साथ। वी आर नॉट इन हरी, ये पर्व साल में एक बार आता है और बहुत पवित्र और गंभीर पर्व है। आपने सबने दीपक जला लिए, आप अपना अपना एक सर्कल बना लीजिए, दीपक जला लीजिए। आप हाथ में थोड़े जल ले लीजिए, अक्षत ले लीजिए। आज जल पीना नहीं है, आचमन नहीं करना है, इसलिए सीधा संकल्प करेंगे और आराम से करेंगे। देयर इज नो हरी प्लीज। ओके, संकल्प करते हैं आपके पति की दीर्घायु के लिए, आपके अखंड सौभाग्य के लिए। नगरे प्रभवाद षष्ठी संवत्सराणां मध्ये सौम्यनाम्ना संवत्सरे सूर्यनारायणः दक्षिणायने मासानां मासोत्तमे कार्तिकमासे कृष्णपक्षे चतुर्थ्यां तिथौ कर्क चतुर्थी पुण्यकाले हे कश्यप गोत्रोत्पन्नः। आप सभी अपना नाम लें। भर्तारं अपने हस्बैंड का नाम लें। अखंड सौभाग्य प्राप्ति हेतु अकाल मृत्यु अपमृत्यु दुर्घटना आदि भय निवारणार्थ श्रुति स्मृति पुराणत्व फल प्राप्ति अर्थे कर्क चतुर्थी ही व्रत कथा श्रवण। हेलो, संकल्प पूर्ण हो गया। अब आप सबकी ओर से पहले गणपति का पूजन करेंगे। गजाननम भूता गणादि सेवितम कपित्थ जंबु फल चारु भक्षणम उमा सुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम् प्रणम्य शिरसा देवं गौरी पुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुष्य कामार्थ सिद्धये ॐ वक्रतुंडाय नमः एकदंताय नमः ओम कृष्णपिंगाक्षाय नमः ओम गजवक्त्राय नमः ओम लंबोदराय नमः ओम विकटमेवा
धूम्रवर्णाय नमः ओम भालचंद्राय नमः ओम विनायकाय नमः ओम गणपतये नमः ओम गजाननाय नमः द्वादशैतानि नामानि यः पठुष्मयादपि विद्या आरंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे तैस विघ्नस्तस्य न जायते मुदाकरात् तमोदकं सदा विमुक्ति साधकं कलाधरावतंसकं दासि लोकरक्षकं अनायकैकनायकं विनाशिते भदैत्यकं नताशुभाशु नाशुकं नमामितं विनायकं नतेतरादिभीतरं नवोदतर्गभास्वरं नमत्सुरारि निर्जरं नताद्यकापदुस्तरं सुरेश्वरं निधीश्वरं गणेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परापरं निरन्तरम् समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं धरेतरोदरं वरं वरे भवक्रमक्षरम् कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं मनस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्करम् अकिञ्चनार्तिमाञ्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं पुरारि पूर्वनन्दनं सुरारि गर्वचर्वणं प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादि भूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणम् नितान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तकात्मजम् अचिन्त्यरूपमन्तहीनमन्तराय चन्तनम् हृद्यन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततम् महागणेश पञ्चरत्न मादरेण योन्वहं प्रजल्पति प्रभातके हृदि स्मरन् गणेश्वरम् अरोगताम दोषतां सुसाहितिं सुकुक्रतां समाहितायुरुष्टभूतिमभ्युपैति सुचिरा जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां सुधा सिंधूर मध्ये सुरविटा पिबाटे परिव्रते मणिद्वीपे नीपो पवनवती चिंता मणिग्रहे शिवाकारे मंचे परम शिव पर्यंक निलयां भजन्ति त्वां धन्यां कदाचित चिदानंदलहरिं श्री माता श्री महाराज्ञी श्रीमत् सिंहासनेश्वरी चिदग्नि कुंड संभूता देवकार्य समुद्यता उद्यत्मानु सहस्राभा चतुर्बाहु समन्विता राग स्वरूप पाशाढ्या क्रोधकारान् कुशोज्ज्वला मनोरूपी क्षुपोदंडा पंच तन्मात्र सायिका निजारुण प्रभा पूर मज्जत ब्रह्मांड मंडला वामन पुराण में ये कथा आती है। मानधाता जी कहते हैं कि अर्जुन नीलगिरी पर्वत पर तपस्या करने के लिए गए। बहुत समय से उनकी कुशलता का कोई समाचार नहीं मिला तो द्रौपदी बहुत चिंतित हो गई। द्रौपदी का मन बहुत खिन्न हो गया कि अर्जुन कहाँ हैं, कुशल हैं नहीं हैं, उनके कार्य में कोई विघ्न तो नहीं है, ऐसे वो चिंता करने लगी और भगवान कृष्ण के पास गई जो साक्षात विष्णु के अवतार हैं। द्रौपदी ने उनसे कहा, हे कृष्ण, मैं अर्जुन के प्रति बहुत चिंतित हूँ, आप मुझे कोई ऐसा मार्ग बतलाइए या कोई ऐसा व्रत बतलाइए या ऐसा कोई दान बतलाइए या ऐसा कोई तप बतलाइए जिससे
अर्जुन दीर्घायु हो और अर्जुन की कुशलता का मुझे समाचार प्राप्त हो। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे द्रौपदी, जैसा प्रश्न तुमने मुझसे पूछा है ऐसा ही प्रश्न बहुत समय पहले पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछा, क्योंकि पार्वती जी संसार में सबसे पतिव्रता देवी मानी गई है। आप अगर ध्यान दें, हम लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं, धन संपत्ति आदि के लिए करते हैं, लेकिन पुत्र और पति के लिए केवल पार्वती का ही पूजन करते हैं। पार्वती जी ने कहा है एक बार कि सभी देवता तो अमृत पी के अमर होते हैं, मेरे पातिव्रत्य में इतना बल है कि मैंने तो विष पिला के भी अपने पति को अमर किया, क्योंकि शंकर जी तो विष पीते हैं, बाकी देवता अमृत पीते हैं। तो पार्वती जी का तो दर्शन ही मंगलकारी। तो पार्वती जी से जो भगवान शंकर ने कहा था वही व्रत मैं तुमसे कहता हूं, तो सुनो। शंकर जी ने पार्वती जी से कहा था कि हे पार्वती जी, बहुत समय पहले की बात है, इंद्रप्रस्थ नगरी में, जो आजकल जो दिल्ली के नाम से जानी जाती है, वहां वेद शर्मा नामक एक व्यक्ति रहता था, उसकी पत्नी भी थी और उनके सात पुत्रों के बाद एक सुंदर सुलक्षणा कन्या का जन्म हुआ था जिसका नाम वीरवती था। समय आने पर उस कन्या का विवाह हुआ, विवाह के बाद पहला करवा चौथ का व्रत आया। सारे जितने व्रत हैं उनका उद्यापन व्रत करने के बाद होता है, जैसे हम सोमवार का व्रत करते हैं, सोलह सोमवार का व्रत करते हैं, उसके बाद उद्यापन होता है, मंगलवार के रखते हैं उसके बाद होता है, लेकिन करवा चौथ का व्रत ही एकमात्र ऐसा व्रत है जिसका उद्यापन पहले व्रत पे होता है। तो जीवन में सबसे महत्वपूर्ण जो व्रत होता है वो पहला करवा चौथ का व्रत होता है, आप जानते हैं। तो पहले करवा चौथ आए, वीरवती ने व्रत रखा, सात भाइयों की लाड़ली बहन थी, दिन भर उसने जल नहीं पिया, बहुत कठिन व्रत था और कठिन व्रत है। आई डोंट नो, लोग तो फेसबुक पर कैसे कैसे बातें मजाक में लिखते हैं, लेकिन वास्तव में तपस्या है, त्याग है, कठिन व्रत है। बिना जल के निर्जल रहना इतना आसान नहीं, जितना कह देते हैं उतना नहीं, करने पर वास्तव में कठिन है। भाई बहुत परेशान थे, सबसे छोटा भाई अपनी बहन को बहुत प्यार करता था, वो बहन के बिना कभी भोजन भी नहीं करता था, वह दिन भर दौड़ दौड़ कर अपनी बहन के पास आता था और कहता था बहन कुछ खा लो। बहन ने कहा भैया वो पहले वाली बात नहीं रही, मेरा विवाह हो गया, अब मैं चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही अन्न जल ग्रहण कर सकती हूँ। परंतु भाई था, छोटा भाई था, बार बार ऊपर जाके देखता था चंद्रमा का कब उदय होगा, चंद्रोदय कब होगा पता नहीं था। फिर उसने एक युक्ति सोची, पेड़ पर चढ़कर उसने एक दीपक जला दिया और उसके दीपक के आगे एक आटा छालने वाली छलनी टांग दी, फिर अपनी बहन के पास जाकर बोला कि बहन चंद्रोदय हो गया, तुम अर्घ्य देकर पूजा पूरी कर लो। वीरवती अपनी भाभियों के पास गई और उनसे बोली कि चंद्रोदय हो गया है, आओ हम सब पूजा कर लें। भाभियां तो सब जानती थी, इसलिए उन्होंने हंस के कहा कि अभी तुम्हारा चंद्रोदय हुआ है, हमारा नहीं। लेकिन वीरवती बहुत भोली थी, अपने भाई पर बहुत विश्वास करती थी, भाई बहन का प्रेम था, उसने भाई पर पूरा विश्वास किया कि जो मेरा भाई कहता है वो सच ही कहता है, और उसने भाई के कथनानुसार अर्घ्य दे दिया और भोजन करने बैठ गई। व्रत खंडित हो गया, पहला कौर जैसे ही उसने मुख में डाला वैसे ही एक बाल आ गया, तो उसने वो जो कौर था भोजन का पहला त्याग दिया, दूसरा कौर में मुख में डाला तो किसी ने छींक दिया, अशुभ मानते हैं, वो भी उसने त्याग दिया, तीसरा कौर जैसे ही उसने मुख में डाला तो सूचना आ गई कि उसके पति का देहांत हो गया, मृत्यु हो गई अचानक। पहले वर्ष विवाह का पहला करवा चौथ ऐसी सूचना सुन के वो रोने लगी, माता भी उसकी रोने लगी, रोते हुए तुरंत अपने ससुराल को चल दी, तो उसकी माता ने कहा बेटी जो अब होना था वो तो हो गया, लेकिन मेरी एक बात सुन, रास्ते में तुझे जो भी मिले